जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आजाद। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोग न्यूज चैनल क्यों देखते हो, क्या जानने के लिए न्यूज चैनल चलाते हो? जहां तक मेरा मानना है, जहां तक औरों का ख्याल है कि हम न्यूज चैनल इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में पता चल सके कि बेरोजगारी कहां तक है, एम्प्लॉयमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मिल रहे हैं, देश में जो चीजें हैं वो सस्ती हो रही है या महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, देश में डेवलपमेंट के काम हो रहे कि नहीं हो रहे, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिबेट करना बेहद जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है, फालतू की डिबेट में हमें उलझा के रखा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप जो टीवी डिबेट देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक दिन क्रिमिनल बनाकर छोड़ेगा। टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं मिस्टर रवीश कुमार, उन्होंने 3-4 साल पहले ही वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि जितना जल्दी हो सके आप अपने केबल कनेक्शन कटवा लीजिए, इस तरह की डिबेट का आपके मन के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सुनिए रवीश कुमार को। के दंगल में बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से राजीव त्यागी की मौत से कुछ नहीं बदलेगा। 2016 में ही ब्लैक स्क्रीन एपिसोड में मैंने कहा था, याद कीजिए, कि ये टीवी आपको बीमार कर देगा। मैंने लोगों से अपील की कि आप न्यूज चैनल मत देखिए, कनेक्शन कटवा लीजिए। ये डिबेट शो आपके बच्चों को हत्यारा बना देंगे। न्यूज चैनलों के भीतर बाहर लिंच मॉब तैयार किया जाता है। आप उनकी भाषा देखिए, एंकरों की तेवर देखिए, ये ट्रोल आदमी है। एक एंकर तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर धमका रहा था, क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ी सरकार का उसे समर्थन हासिल है। मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है, इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की है। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाए, लिखा और वही हो रहा है। राजनीतिक दल के प्रवक्ता इस मॉडल का हिस्सा बन रहे हैं। राजीव त्यागी की मौत के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है। जो ये समझते हैं वो अपराधी या हत्यारे की प्रवृत्ति को नहीं जानते। यहाँ तक कि जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी ये माना कि इस तरह की डिबेट्स कहीं न कहीं आपके मन के ऊपर बहुत ही गहरा असर छोड़ रही हैं। ये इस तरह की डिबेट्स आपके बच्चों को क्रिमिनल बना देगी, इस तरह की डिबेट्स आपके बच्चों को अपराधी बना देगी। अब आपको भारत में न्यूज चैनल्स की पत्रकारिता के गिरते स्तर का एक और उदाहरण हम देते हैं, और ये खबर, दोनों खबर जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके लिए हैं, ये आपको आज सोचने पर मजबूर करेंगी। एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राजीव त्यागी को आपने कई बार अलग अलग चैनल्स में देखा होगा, बहुत जाने पहचाने नेता थे और कांग्रेस का पक्ष रखते थे। मृत्यु से कुछ मिनट पहले ही राजीव त्यागी ने एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लिया था। इतने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना, दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहे और कहो किसने घर चलाया है, हिम्मत है तो कहो। जय चंदो उसे नाम नहीं निकल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी पर पर्सनल अटैक किया, उनको देशद्रोही कहा, उनको जयचंद कहा और इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक किया, वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे और उसी वक्त से उनकी तबीयत जो है बिगड़ती हुई नजर आई। यहाँ तक कि अकल के अंधों को भी ये दिखाई देगा लेकिन उन पैनलिस्ट को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। उनकी मृत्यु के बाद से ही देश में ये बहस छिड़ गई कि क्या टीवी न्यूज चैनल्स पर ये चीखने चिल्लाने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए या नहीं। और आप तो जानते हैं टीवी न्यूज डिबेट के जो शो होते हैं वो सब ऐसे होते हैं जिसमें बहुत चीखना चिल्लाना होता है, लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बदतमीजी करते हैं, जोर से गलत आरोप लगाए जाते हैं और इन डिबेट्स में वो जीतता है जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर सकता है, जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है और जो बाकी सारे लोगों को अपने शोर से दबा सके, वो ऐसे टीवी डिबेट्स में विजयी रहता है। आज मैं आप लोगों के दिमाग का पेच टाइट करूंगा। अगर विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया तो 3 दिन में छोड़ क्यों दिया भैया, बताइए मुझे। पूछता है भारत की हत्या की। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाए, लिखा और वही हो रहा है।
डिबेट करके ये न्यूज चैनल वाले आपको देशद्रोही भी साबित कर देंगे, आपको देशभक्त भी साबित कर देंगे। मेरा एक सवाल उन एंकरों से है कि अगर 6 साल से पाकिस्तान परेशान कर रहा है या 6 सालों से चीन से हमारी दुश्मनी है, और वो सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते कि आखिर ऐसा क्यों कि आपकी 6 साल से गवर्नमेंट चल रही है फिर भी पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है। हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान वाली जहरीली डिबेट में आपको उलझा के रखने वाले आपके बेसिक मुद्दे, आपका रोजगार, महंगाई, डेवलपमेंट, 200 में से 80 बार डिबेट सिर्फ पाकिस्तान को लेके किया गया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे भारत में है। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है, 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन आपको ये मीडिया नहीं बताने वाली है। हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसके ऊपर ये डिबेट नहीं करेंगे। हर रोज बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिसके लिए हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, उसके ऊपर ये लोग डिबेट नहीं करेंगे। और एक रिपोर्ट बता दूं कि किस तरह से ये लोग, अगर आप बेसिक मुद्दों के ऊपर सवाल पूछोगे ना, तो आपके मुद्दों को किस तरह से ये दबा देते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीने पहले देवेंद्र सिंह, जो कि 2 आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में लेकर जाते हुए पकड़ा गया था, उसके बारे में कोई अता पता नहीं। 400 किलो RDX पुलवामा में कैसे आया किसी को कुछ पता नहीं। उसके बारे में अगर आप ये इन एंकरों से पूछोगे तो ये बड़ी चालाकी से उन बातों को दबा देते हैं, अपनी बातें थोप कर। बस हर मुद्दे पे अगर आप कुछ सवाल पूछो तो बस आपको देशद्रोही 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 कहना चालू कर देते हैं। आप देखिए दीपक चौरसिया का ये वीडियो, जिसमें कितनी चालाकी से कितने शातिर तरीके से एक पैनलिस्ट जब देवेंद्र सिंह के बारे में पूछ रहा था, जब 400 RDX कैसे आए पुलवामा में उसके बारे में पूछ रहा था, तो कितनी शातिर तरीके से उसकी बात को दबा दिया। 3 देखा दोस्तों किस तरह से जब वो पैनलिस्ट पूछ रहा है कि पुलवामा अटैक में जो RDX इस्तेमाल हुआ तो वो कहां से आया, देवेंद्र सिंह जो कि वहां का SSP था और अपनी गाड़ी में आतंकवादियों को लेकर जा रहा था, उसका क्या हुआ, तो उसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब तो साफ है ना कि वो उन आतंकवादियों को बचाना चाहता है। दीपक चौरसिया खुद चाहता है कि वो उन आतंकवादियों के बारे में बात ना हो, या फिर उनकी पोल ना खुले, या फिर देवेंद्र सिंह की पोल ना खुले, और साथ ही ना तो ये पता चले देश को कि इतने सेफ जोन पुलवामा में RDX इतनी भारी मात्रा में कैसे आया। तो कौन है देशद्रोही बताइए? वो दीपक चौरसिया वो उन आतंकवादियों को बचाना चाहता है, देवेंद्र सिंह को बचाना चाहता है, देश को ये पता नहीं लगने देना चाहता है कि वो RDX कहां से आए। सरकार तो हमें बताएगी नहीं, और ऐसे पत्रकार, ऐसे घटिया पत्रकार सरकार से सवाल करेंगे नहीं। तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि आप लोगों को किस तरह की न्यूज परोसी जा रही है इन चैनलों द्वारा। आपके मुद्दों को ये उठा नहीं रहे, आपको सिर्फ उलझा के रखा है। दोस्तों अगर आप अब नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हम जब भी हॉस्पिटल से गुजरते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रहता है बोर्ड पे कि नो हॉर्न प्लीज, यहां पे पेशेंट हैं, यहां पे शोर शराबा ना करें। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं कि जोर से बातें ना करें, फोन पे बातें ना करें। हर किसी के घर में हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनको शोर शराबा पसंद नहीं होता, और आप उनके सामने इस तरह की न्यूज देखेंगे, इस तरह की वाहियात न्यूज, चिल्लाने वाले चीखने वाली न्यूज, इससे कैसा असर पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा माइंड पे, जरा ये सोचिएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है।
उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।